हेलो गाइस, वेलकम टू गॉर्न प्रैक्टिस। टुडे आई ब्रिंग अ वेरी अमेजिंग जॉब फॉर यू गाइस। और ये जॉब आपकी होने वाली है पार्ट टाइम और वर्क फ्रॉम होम बेसिस पे, जिसमें आपका वर्क जो होने वाला है ना बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट कंपनी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देगी जो इंग्लिश में होंगे और आपको यहाँ पे उनको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। जस्ट यहाँ पे आपका इतना वर्क होने वाला है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यहाँ पे इसमें यह है कि आप यहाँ पे इसको अपने घर बैठे कर सकते हो और यहाँ पे किसी भी टाइम पे कर सकते हो। जो टाइमिंग यहाँ पे आप डिसाइड करोगे उस टाइमिंग पे आप यहाँ पे इस काम को कर सकते हो और यहाँ पे बहुत ही अच्छे इनकम कर सकते हो। जितना ज्यादा आप यहाँ पे काम करोगे उतनी ज्यादा यहाँ पे आपकी इनकम जनरेट होती रहेगी। और यहाँ पे इस टाइप की जो जॉब्स होती है ना उसमें किसी तरीके का कोई इंटरव्यू नहीं होता, डायरेक्ट यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है। तो जस्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना है और यहाँ पे अपने सिलेक्शन होने का वेट करना है। जस्ट यहाँ पे सिलेक्शन होने से पहले वो आपसे कुछ चीजें पूछेंगे जिसमें आपका यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल कितना अच्छा है, वो सारी चीजें यहाँ पे चेक कर जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे आपकी जो इनकम है वो बहुत ही अच्छा बनेगी। और जो लोग यहाँ पे अपना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहे हैं उन लोगों के लिए भी यहाँ पे जॉब बिल्कुल सुटेबल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आप इसको कभी भी किसी भी टाइम पे कर सकते हो। सो आप यहाँ पे 2-3 घंटे भी इस काम को कर सकते हो, और अगर यहाँ पे आप ऐसा फुल टाइम करना चाहते हो 8 घंटे तो भी आप यहाँ पे इस काम को कर सकते हो। अब वीडियो में आगे पूरे प्रोसेस को डिटेल में समझाऊंगा, क्या क्या यहाँ पे वर्क होगा, किस तरीके से यहाँ पे आपको वर्क मिलेगा, क्या क्या चीजें आपको मैनेज करनी होगी, सब चीजों को थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और सारी चीजें समझने की कोशिश करना। एंड आप कर दीजिए यहाँ पे इस वीडियो को लाइक। और इसी के साथ आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं इसके नोटिफिकेशन के ऊपर। सो जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जॉब अपडेट जो निकल के आ रहा है वो यहाँ पे लिंक्डइन पे निकल के आ रहा है। और यहाँ पे इस कंपनी का जो नाम है वो है ट्रांस परफेक्ट। और यहाँ पे आपका फ्रीलांस ट्रांसलेटर की यहाँ पे जॉब है, इंग्लिश टू हिंदी, मतलब जो आपका वर्क रहेगा इंग्लिश टू हिंदी, यहाँ पे आपको चीज़ें ट्रांसलेट करनी है। ये आपका यहाँ पे रिमोट जॉब है, रिमोट यहाँ पे आपका होता है वर्क फ्रॉम होम। और यहाँ पे आपकी जो पोस्ट रहेगी वो एसोसिएट रहेगी। एंड अब आपके थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे इस जॉब में होने क्या वाला है बेसिकली। तो बेसिकली यहाँ पे इस जॉब में क्या होने वाला है, ये जो कंपनी है वो ऐसे कैंडिडेट्स को ढूंढ रही है जो इनके डेटाबेस को यहाँ पे दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सके और यहाँ पे इनके क्लाइंट के वर्क्स को कर सके। अब यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं इस कंपनी में। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ट्रांसलेट और प्रूफ रीड करना, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे ठीक है उनको ट्रांसलेट करके अच्छे से उनका यहाँ पे सेटअप बना के रखना। नेक्स्ट पॉइंट जो है, इंश्योर ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स मैचेस विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। जो यहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिला था इन इंग्लिश और जो यहाँ पे आपको ट्रांसलेट करके आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया इन हिंदी, उन दोनों को यहाँ पे आपको अच्छे से एक जगह पे प्लेस करना है ठीक है। इसके अलावा बेसिकली यहाँ पे आपको उन डॉक्यूमेंट्स का ना डेटा रखना है, कब यहाँ पे आपके पास आया, कब यहाँ पे आपने ट्रांसलेट करा, और उन दोनों की कॉपी जो यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर आपके पास होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है, एफिशिएंटली मेंटेन फॉर्मल डिसिप्लिन ऑपरेशनल प्रोसीजर अक्रॉस वैरायटी ऑफ क्लाइंट्स प्रोजेक्ट। जिस भी क्लाइंट्स के यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आप हैंडल करोगे वो आप जब कंपनी में जाओगे आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी, उनका यहाँ पे आपको जो प्रोजेक्ट है वो अच्छे से यहाँ पे हैंडल करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे इसमें ट्रैक प्रोजेक्ट स्पेसिफाइक नॉन कन्फर्मेंस एंड रेजोल्यूशन। मीन्स यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हो उनका यहाँ पे आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए कि कौन सा प्रोजेक्ट यहाँ पे कहाँ से आया था, कितना आप यहाँ पे उसको डन कर चुके हो और यहाँ पे वो कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, वो सारा डेटा आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट, इसके अलावा यहाँ पे इनका नेक्स्ट स्टेप है पर्सनली परफॉर्म प्रोजेक्ट क्यूए स्टेप्स। QA आपका होता है क्वालिटी एश्योरेंस। मीन्स यहाँ पे आपको उसकी क्वालिटी खुद चेक करनी है जो भी यहाँ पे आपको वर्क मिलेगा कि उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी यहाँ पे जा रही है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपरली यूटिलाइज ऑल अप्रोप्रिएट सप्लीमेंट्स मटेरियल्स। और जो भी आपके पास यहाँ पे चीज़ें होंगी, यहाँ पे आपकी जो टीम होगी उन सबके यहाँ पे जो उन सबको आप जितना यहाँ पे यूज़ कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के लिए उतना यहाँ पे आपको करना होगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एरर्स मिशंस एसोसिएट विद द प्रोजेक्ट इन विद दे आर इन्वॉल्व्ड। जो भी प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन आपको खुद ढूंढना है यहाँ पे, और उसके वर्क उसकी डेडलाइन फिनिश होने से पहले आपको यहाँ पे वो वर्क प्रोवाइड करना है। तो ये सारे यहाँ पे कुछ इसके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एंड नेक्स्ट आप आगे बढ़ते हैं, इनके स्किल्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या स्किल आपके पास होने चाहिए। तो स्किल्स की बात करें, सबसे पहले आपके पास रिटन और वर्बल यहाँ पे दोनों स्किल होने चाहिए इन इंग्लिश और हिंदी दोनों ठीक है। एक्सेप्शनल यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यहाँ पे आपकी होनी चाहिए ठीक है, ये बट एक्सेप्शनल है, अगर होगी तो यहाँ पे आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगा। इसके अलावा सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट ऑन कंपनी टेस्ट, जो भी कंपनी यहाँ पे टेस्ट लेगी उसमें आप आपको अच्छा परफॉर्म करना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे आपका मिनिमम पासिंग ग्रेड सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल लैंग्वेज अप्रोप्रिएट फॉरन लैंग्वेज टेस्ट एज एप्लीकेबल। जो भी लैंग्वेजेस का यहाँ पे आपका टेस्ट होगा उसमें यहाँ पे आपको अच्छा परफॉर्म करना है ताकि कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सके। कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे आपसे डिमांड कर रहे हैं। अब इसमें मैं आपको अमाउंट बता देता हूँ कि कितना अमाउंट यहाँ पे आप इसमें अर्न कर सकते हैं। तो देखिए, वैसे तो वर्क डिपेंड जो करेगा वो यहाँ पे आपके कितने वर्क आप यहाँ पे काम कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, बट एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। पार्ट टाइम वाले यहाँ पे जो काम करेंगे इसमें उनका जो अमाउंट पर मंथ का बनेगा वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 30,000 के आसपास रह सकता है। उसमें भी डिपेंड करेगा कि कितना वर्क आपने लिया था और यहाँ पे किस डेडलाइन पे आपने वर्क उनको प्रोवाइड कर दिया। और जो कैंडिडेट यहाँ पे उसको फुल टाइम करेंगे
ऑलमोस्ट यहाँ पे 50+ यहाँ पे इसमें अमाउंट अर्न कर पाएंगे। बट ये सारी चीज़ें मैंने फिर से बोल रहा हूँ डिपेंड करेगी आप यहाँ पे कितना वर्क करते हो। अब यहाँ पे अप्लाई करना तो आपके यहाँ पास लिंक्डइन प्रोफाइल होनी चाहिए और लिंक्डइन प्रोफाइल से ही आपका यहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है लिंक्डइन ईजी अप्लाई, तो आप यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक करोगे आपका यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ चीज़ें रहेंगी एंड यहाँ पे यही सारी चीज़ें यहाँ पे इसमें आपकी होने वाली है। अब अगर यहाँ पे आपको इसके अलावा कोई अगर चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं एंड अगर इसके फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग कोई डाउट कोई क्वेरी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आके वो भी पूछ सकते हैं। एंड गाइस मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऐसी अमेजिंग जॉब डेट्स है, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।